उंगलियों की लंबाई हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हाथों की उंगलियों का उसके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ, उंगलियों की बनावट, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, वर्तमान और भविष्य के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि व्यक्ति की हथेली की उंगलियों का अध्ययन किस तरीके से कर आप उनकी किस्मत के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं तर्जनी उंगली का लंबा होना। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली सामान्य से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक इंटेलिजेंट होता है। जी हाँ, इन लोगों में लीडर बनने की सारी खूबियां होती हैं। यदि व्यक्ति के हाथ की तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के बराबर है तो ऐसा व्यक्ति लोगों पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब भी होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्यमा उंगली का लंबा होना। हाथ की मध्यमा उंगली, जिसे शनि उंगली भी कहा जाता है, यदि किसी के मध्यमा उंगली लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। जी हाँ, ये जिस काम को अपने हाथों में लेते हैं उसे पूरा करने के बाद ही चैन की सांस लेते हैं और उस काम को पूरे दिल से भी करते हैं। अपनी लाइफ में काफी मेहनत करते हैं और उस मेहनत के जरिए ऐसे लोग सफलता भी पाते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्यमा और अनामिका उंगली का बराबर होना क्या कहता है। जी हाँ, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर व्यक्ति के हाथ की अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली की लंबाई बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत सी अलग अलग भाषाओं का जानकार होता है, अलग अलग भाषाओं को जानता है। साथ ही काफी ज्यादा इन लोगों के पास धन भी देखा जाता है, धनवान होते हैं ऐसे व्यक्ति। अनामिका उंगली का लंबा होना, जिन जातकों की हथेली की अनामिका उंगली अर्थात सूर्य उंगली लंबी होती है तो हस्तरेखा अनुसार पैच, जी हाँ, तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति कला, संगीत और लेखन जैसे कार्यों में सफल होता है। जी हाँ, ऐसे लोग जीवन में अपनी काबिलियत से खूब धन और मान सम्मान कमाते हैं। अंत में और आगे बात करते हैं छोटी उंगली का लंबा होना क्या दर्शाता है। जिन व्यक्ति के हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी की कनिष्का, जिसे बुद्ध की उंगली भी कहा जाता है, अगर ये अनामिका के पहले या ऊपरी वार तक पहुंचे तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से जीवन में बहुत आगे लग जाता है। जी हाँ, बता दें आपको, यदि लिटिल फिंगर अनामिका के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। नेक्स्ट टू नाइन स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।